ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की भी कैटेगराइजेशन डिफरेंट तरीकों से की जा सकती है, और इसके अगर आप इसको लिंक करें कि इसका इंटरनल आपकी इंटीग्रेशन ज़्यादा मकसद है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी ज़्यादा मकसद है, आपने क्या एक्सटर्नल आप मार्केट के साथ इसको लिंक करना चाहते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहते हैं या स्टेबिलिटी की बात करना चाहते हैं, तो वी कैन जस्ट आइडेंटिफाई फोर डिफरेंट यू नो मॉडल्स या फोर डिफरेंट एरियाज ऑफ वे ऑफ वर्किंग, जिसके अंदर के कल्चर में अगर आपने कोई भी तब्दीली लानी है, आपका जो फोकस है, अगर अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्टिव आप इन एरियाज के साथ लिंक करें, तो यू विल देन कम टू नो कि कौन से किस्म के कल्चर को आप इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर कौन से एरिया में आप किस तरह की तब्दीली लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। सो इन चार टाइप्स में से जो नंबर वन पर है टाइप, उसको हम क्लैन के नाम से जानते हैं। क्लैन ओरिएंटेड कल्चर्स आर फैमिली लाइक कल्चर्स। ये किस तरह का ग्रुप होता है, किस तरह का एनवायरनमेंट होता है, ये कैसा कल्चर होता है जिसमें कि मेन मकसद है कि आपने टीम बिल्डिंग करनी है, आपने उनकी कैपेबिलिटीज बढ़ानी है, आपने उन्हें समझने का बेहतर मौका देना है, और आप उसको बहुत ज़्यादा थ्रेटनिंग एनवायरनमेंट में नहीं देते, बल्कि आप मेंटोरिंग, कोचिंग के जरिए से, फैसिलिटेशन के जरिए से, रोल मॉडलिंग के जरिए से आप ये सारे एरियाज करते हैं। लाइक अ फादरली फिगर, जो लीडरशिप स्टाइल है वो यहाँ इज मोर ऑफ अ पेट्रोनाइजर, जो कि अपनी टीम को पूरा कॉन्फिडेंस दे रहा है और उनकी उन एसेट्स को, उन एट्रीब्यूट्स को सराह भी रहा है जो कि उनमें मौजूद हैं। सो क्लैन ओरिएंटेड कल्चर्स आर फैमिली लाइक विद अ फोकस ऑन मेंटरिंग, नर्चरिंग एंड डूइंग थिंग्स टुगेदर। सो अ लॉट ऑफ कोलैबोरेशन इज देयर, कोलैबोरेटिव कोलिजियल एनवायरमेंट विल बी देयर। सो अगर आपका कोई भी ऐसा एफर्ट है जिसमें कि ये आपको चाहिए, इस तरह का एनवायरमेंट चाहिए, तो आपको क्लैन के जरिए से आपको वो लेकर आना पड़ेगा। एडोक्रेसी इज ऑन द अदर हैंड साइड इज अबाउट क्रिएटिविटी, इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, जस्ट यू नो ट्राइंग टू ब्रिंग इन न्यू आइडियाज, एक्सपेरिमेंटेशन और एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए से आप अपनी स्किल सेट को अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा उनका एडवांस लेवल पे लेकर जाते हो। अगेन यहाँ पे फियर और फेलियर का इतना ज्यादा एक थ्रेट नहीं होता, आप ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट होता है उस जगह पे कि पीपल कैन रियली डू एक्सपेरिमेंटेशन एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज। सो इफ यू वॉन्ट टू डू सम काइंड ऑफ एक्सपेरिमेंटेशन, पायलट प्रोजेक्ट करना चाहते हैं, सो दिस विल बी द राइट मॉडल देन एंड टाइप फॉर यू। मार्केट ओरिएंटेड कल्चर्स आर द कल्चर्स जिसमें कि उनका सारा का सारा फोकस बाहर के क्लाइंट की तरफ रहता है, कि वो उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट की डायरेक्शन क्या जा रही है। तो एक्सटर्नल जो फैक्टर्स हैं जो आपके इंटरनल मैकेनिज्म को डिटरमिन करते हैं, अगर आपका मकसद ये है कि आपने अपने प्रोडक्ट को एक्सटर्नल फैक्टर्स के हिसाब से डिजाइन करना है, तो उसका जो कल्चर आपके कल्चर से बाहर एग्जिस्ट कर रहा है मार्केट में, वही आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी कल्चर इवेंचुअली बनना पड़ेगा ताकि आप उस तरह का प्रोडक्ट दे सकें। सो इट इज दीज काइंड ऑफ कल्चर्स आर रिजल्ट ओरिएंटेड विद अ फोकस ऑन कॉम्पिटिशन, अचीवमेंट एंड गेटिंग द जॉब डन। सो योर फोकस विल ऑल्सो बी द कम्प्लीशन ऑफ द टास्क अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द मार्केट्स। यू मे नॉट बी वरीड अबाउट द टीम वर्क, यू मे नॉट बी वरीड अबाउट द मैंटरिंग और कोचिंग, आप सिर्फ उन्हें ये बताएंगे कि दिस इज वॉट यू वॉन्ट टू डू एंड दिस इज वॉट द मार्केट एक्सपेक्ट्स फ्रॉम यू। हायरार्की ओरिएंटेड कल्चर्स आर स्ट्रक्चर्ड एंड कंट्रोल्स, इसमें रोल्स बहुत आइडेंटिफाइड होते हैं, पॉलिसीज सेट होती हैं, रूल्स सेट होते हैं, विद अ फोकस ऑन एफिशिएंसी, स्टेबिलिटी एंड डूइंग थिंग्स राइट। अगेन यू जस्ट आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनी काइंड ऑफ फेलियर्स, एवरीबडी इज गोइंग बाय बुक, और आपके जो रूल्स डिफाइन हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी का स्कोप नहीं होता। सो टीम वर्क और कोलैबोरेशन बहुत ज़्यादा इतनी हमें नहीं चाहिए इसमें, बल्कि हम ये इसमें स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं। अगर आप इन चारों एरियाज को चार पैरामीटर्स पर देखने की कोशिश करें, फॉर एग्जाम्पल किस मॉडल में फ्लेक्सिबिलिटी और फ्रीडम ज़्यादा है एक दूसरे से इनैक्ट करने के लिए, किस में आपका फोकस इंटरनल फोकस एंड इंटीग्रेशन पे होगा, कहाँ पे आप एक्सटर्नल फोर्सेस की बात कर रहे हैं एंड डिफ्रेंसिएशन की बात कर रहे हैं, और कहाँ स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि जहां पर आप टीम बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, मेंटरिंग एंड कोचिंग की बात कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली फ्लेक्सिबिलिटी विल हैव टू बी देयर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, देन मोर फ्रीडम टू डू दैट विल हैव टू बी देयर। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट रूल्स, रेगुलेशंस, सर्विस रूल्स, रोल्स, हायरार्की, जॉब्स, पोजीशंस, सो ये स्टेबिलिटी आपको चाहिए होगी और कंट्रोल चाहिए होगा, तो हायरार्की का कल्चर होगा। अगेन आपने अगर मार्केट की डायरेक्शन पे चलना है तो मार्केट इज द कंट्रोलिंग फैक्टर, हायरार्की आपके रूल्स डिफाइन हो रहे हैं मार्केट से, तो अगेन स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल विल बी मोर हेयर।
एक्सटर्नल फोर्स के साथ अगर आपने इंटीग्रेशन करनी है तो जहां आप इनोवेशन की बात करते हैं वहां पे आपको मार्केट और एडोक्रेसी पे जाना पड़ेगा, और इंटरनल इंटीग्रेशन आपकी हायरार्की में होगी और उसमें आप हायरार्की एंड मार्केट मार्केटिंग मॉडल पे आप इंटरनल स्टेबिलिटी पर ज़्यादा काम कर सकेंगे, जबकि आप एक्सटर्नल पर अगर जाएं और फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहें तो एडोक्रेसी एंड क्लैन इज़ द राइट मॉडल फॉर यू दैट विल ब्रिंग अ ब्रेक थ्रू चेंजेस.